डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथोलॉजिकल इन दिस इंपॉर्टेंट सेशन वील बी डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन अवन फैक्टोरियल समझते हैं स्टार्ट करते हैं सेशन सो फॉर्मूला हम पहले देख लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं लास्ट में प्रूफ देखेंगे कि रीजनिंग क्या है इसके पीछे का ओके सो लास्ट और राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट इन अ फैक्टोरियल सो इफ यू हैव टू फाइंड आउट लास्ट नॉन जीरो डिजिट In n factorial, so that will be equal to the last non zero digit of 2 to the power a multiplied by a factorial multiplied by b factorial. Okay, and what are a and b? So, if n is equal to 5 into a plus b.

into 2 plus 2. So a is equal to 2, b is also equal to 2. So this will be 2 to the power 2 a 2 to the power a any a 2 square into 2 factorial into 2 factorial. So this will be 4 into 2 into 2 4 into 4 is 16. So 6 will be our answer. 6 will be the last non 0 digit in 12 factorial. ओके एक और एग्जाम्पल लेते हैं लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन एटीन फैक्टोरियल सो एटीन कैलग्रेटर फाइव इंटू थ्री प्लस थ्री एक सेकेंड एटीन नाइनटीन फैक्टोरियल लेते हैं सो फाइव इंटू थ्री प्लस फोर सो थ्री विल बी इक्वल टू ए एंड बी विल बी इक्वल टू फोर so this will be 2 cube into 3 factorial into 4 factorial which will be 8 into 6 into 24 but since we are only concerned about the last non zero digit we last non zero digit if we are multiplying let us say two numbers 24 and 32 so we can write 24 as 20 plus 4 and 32 as 30 plus 2

2 वैल्यू यूनिट डिजिट और लास्ट नॉन जीरो यूनिट डिजिट तो नहीं लास्ट नॉन जीरो डिजिट क्योंकि बाद में सारे जीरो आएंगे ठीक है बट उनसे पहले 2 आएगा और 19 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस कितने होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहे हैं सो 3 जीरोस और उसके पहले आएगा 2 दिस विल बी 19 फैक्टोरियल ओके okay. क्लियर है स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस पे चलते हैं So first one, right most non-zero digit of 17 factorial, ye karlo it. 17 is 5 into 3 plus 2, so answer will be 2 to the power 3 into 3 factorial into 2 factorial, so 8 into 6 into 2, so 8 into 12, 96, so answer will be 6 only. सिक्स विल आंसर इज अंट सो क्लियर है कोई दिक्कत नेक्स्ट क्वेश्चन राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ ट्वेंटी वन फैक्टोरियल ट्वेंटी वन कैन बी रिटन एज इक्वल टू फाइव इंटू फोर प्लस वन सो ए विल बी फोर बी विल बी वन लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन 21 फैक्टोरियल विल बी इक्वल टू 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 दू फोर फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल ही हो गया तो टू टू दर फोर इज इक्वल टू 16 इंटू फोर फैक्टोरियल इज़ 24 बट मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ यूनिटिट है तो 6 into 4 इंटू फोर दैट 24 काम आएगी सिर्फ यूनिट तो आंसर आ जाएगा हमारा 4 नेक्स्ट क्वेश्चन राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ ियल ट्वेंटी फाइव फैक्टोरियल फैक्टोरियल। अब यहां पे से एक बात को समझना पार 5 क्या आएगा? 32 आएगा, बट हमारे काम का डिजिट क्या है सिर्फ डिजिट है तो हम टू लिख देंगे 5 बट जीरो के लिए हम ऑलरेडी कंसिडर कर चुके हैं हमें चाहिए राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट तो वन ट्वेंटी का भी हम राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ही लेंगे ओके okay? इसका भी राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ही लेंगे 1, तो आ जाएगा हमारा फोर दिस पार्ट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि गलती से जीरो नहीं ले लेना हमें राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट लेना होगा

पार्ट एन इज वन जीरो बट हमारे काम की है सिर्फ और सिर्फ डिजिट, तो फोर लिख देंगे अब टेन फैक्टोरियल में यूडिट निकालना है टेन फैक्टोरियल तो एक बड़ा नंबर है ठीक है एक नंबर है तो अगेन तुम इसमें लिख दो कि लास्ट नॉन जीरो डिजिट इन टेन फैक्टोरियल इसको फिर से सेपरेटली ऐसे कैलकुलेट कैल्कुलेट करेंगे मल्टीप्लाइड बाई थ्री फैक्टूल विचू सिक्स फोर इंटू सिक्स इज ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर और ट्वेंटी फोर में काम किया यूनिट डिजिट तो फोर इंटू लास्ट डिजिट

ठीक है तो फंक्शन के अंदर हमने फंक्शन लगा दिया सेकंड मेथड क्या हो सकता था कि इन केस ऑफ सच लार्जर नंबर्स जो कि 25 से बड़े नंबर्स हैं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वी कैन राइट 53 डिवाइड करो तो 25 फाइव इन टू प्लस थ्री आ गया ठीक है सो टू इज इक्वल टू ए एंड थ्री इज इक्वल टू बी एंड नाउ लास्ट नॉन जीरो विल बी इक्वल टू फोर टू द

दिस विल मोर अप्रोप्रिएट मेथड जब हमें हमारे नंबर्स लाजर होंगे जहां पर दो बार फंक्शन अप्लाई करना पड़ेगा के तरीके से डिवाइड तो कर लेंगे question, Now, ठीक है सो दिस टू इज ए एंड सिक्स इज बी सो राइट मोस्ट नॉन जीरो आ जाएगा हमारा फोर स्क्वायर

तो एट इंटू सिक्स इंटू वन एट इंटू सिक्स फोर्टी एट फोर्टी एट का बच्चा एट टू इंटू एट सिक्सटीन सो लास्ट नॉन जीरो नॉन जीरो क्या क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ सेवेंटी एट फैक्टोरियल 78 कैन कैंडिटन है ट्वेंटी 25 इंटू 3 प्लस 3 3 इज ए 3 इज बी सो 4 क्यूब इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल और 4 क्यूब आ जाएगा 64 यूनिट यूनिटिट आएगा फोर 6 into 6 इंटू और 6 की पावर कितना भी हो 6 ही आता है डिजिट में तो दिस विली 4 इंटू 6 24 यूनिट यूनिटिट विल भी 4 ओनली Okay. Clear? Next one, find the right to most non zero digit of 100 factorial. And 100 is 25 into 4 plus 0. So, a will be equal to 4, b will be equal to 0. So, 4 to the power 4 into 4 factorial into 0 factorial. और फोर टू 4, 4 आ हमारा टू फिफ्टी सिक्स काम की डिजिट हमारी सिर्फ आखिरी वाली सिक्स ओनली मल्टीप्लाइड बाई ट्वेंटी फोर काम की डिजिटल सिर्फ फोर इंटू वन सिक्स इंटू फोर इज ट्वेंटी फोर इंटू वन फोर ही आ जाएगा हमारा लास्ट में तो आंसर फोर ऑनली फोर राइट मोस्ट नॉन ऑफ हंड्रेड फैक्टोरियल ओके क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड राइट मोस्ट नॉन जीरो नाइनटी नाइन फैक्टोरियल सो नाइंटी नाइन इज बेसिकली ट्वेंटी फाइव इंटू थ्री प्लस ट्वेंटी फोर सो थ्री इज इक्वल टू ए ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू बी सो आंसर विल बी फोर टू दार थ्री इंटू थ्री फैक्टोरियल इंटू ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल पार थ्री सिक्सटी फोर तो सिर्फ काम का फोर फोर इंटू थ्री फैक्टोरियल सिक्स इंटू लास्ट डिजिट ऑफ ट्वेंटी फोर फैक्टोरियन और ट्वेंटी फोर इज फाइव इंटू फोर प्लस फोर तो फोर विल बी ए नेक्स्ट फोर विल बी सो फोर इंटू सिक्स फोर से फोर ही बचा मल्टीप्लाइड बाई टू टू पावर फोर फैक्टोरियन इंटू फोर फैक्टोरियल सो दिस काम का है

फोर so ठीक है और फोर के बाद में फोर के पहले भी काफी सारी डिजिट्स होंगे लास्ट नॉन जीरो पता नहीं बट आर मल्टीप्लाइंग बाई हंड्रेड तो थिंक अबाउट इट हंड्रेड में क्या है दिस वन इज देयर ठीक है तो दो तो जीरो ऐड होंगे जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई करोगे बट अल्टीमेटली नाइनटी नाइन फैक्ट्री में जो भी लास्ट डिजिट आ रहा होगा उसमें हम वन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमें रिजल्ट मिल रहा है फोर

तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ेगा ठीक है हां अगर सेम नंबर ऑफ जीरोज होते जस्ट इन केस अगर सेम नंबर ऑफ जीरोज होते तो फिर उसको एक बार सेपरेटली आंसर आंसर तो तो so so आ जाएगा हमारा फोर टू दार्ट टू इंटू टू फैक्टोरियल इंटू फाइव फैक्टोरियल इंटू टू इंटू फाइव फैक्टोरियल क्या है डिजिट होगी टू लास्ट नॉन जीरो नॉन जीरो ऑप्शन जीरो हो नहीं सकता ठीक है जीरो तो हो नहीं सकता तो इट विल बी टू और फोर और सिक्स और एट इन मोस्ट केसेस एक्सेप्ट फाइव फैक्टोरियल से पहले वाली वैल्यूज के लिए ठीक है तो बाद में तो हमेशा ही टू फोर सिक्स एट में से ही कोई एक ऑप्शन होगा पहले भी टू फैक्टोरियल के बाद में सारा हो तो में ही होगा तो टू फोर सिक्स में जस्ट कि राइट मोस्ट नॉन जीरो नॉन जीरो ट्वेंटी वन फैक्टोरियल प्लस ट्वेंटी टू फैक्टोरियल प्लस ट्वेंटी थ्री फैक्टोरियल प्लस ट्वेंटी फोर फैक्टोरियल प्लस ट्वेंटी फाइव फैक्टोरियल ठीक है so 25 में तो नंबर जीरो हमारे हो जाएंगे सिक्स So, उससे तो कंसर्न नहीं है बट इन सारे नंबर्स में बचे हुए नंबर्स में तो ट्रेलिंग ज़ीरोस हमारे फोर है ईच ज़ीरोस। exactly तो इनका लास्ट समय फर्क पड़ता है ठीक है सो ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव इंटू फोर प्लस फोर इज ए वन इज बी क्या आ जाएगा वैल्यू टू टू दार फोर इंटू फोर फैक्टोरियल इंटू वन फैक्टोरियल टू दू पारिक्सटी इंटू ट्वेंटी फोर इंटू वन सिक्स इंटू फोर रिजल्ट विल बी फोर ओनली, फोर विल बी लास्ट नॉन जीरो फोर आ जाएगा का last digit. और of उसके बाद में होंगे इंटू ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू से टू इंटू फोर फोर ऑलरेडी लास्ट में नॉन जीरो

The last non-zero digit in this summation two will be the answer. This will be the answer two will be the answer clear okay koi dikkat ठीक है इसको ऐसे भी सोच सकते थे twenty one factorial को कॉमा ले लेते तो इनसाइड बचता हमारा one plus ट्वेंटी टू बचता तो उसमें से का टू काम, का 4, 4 काम का है और ट्वेंटी टू इंटू ट्वेंटी थ्री सिक्स काम का है टू इंटू थ्री इंटू फोर ट्वेंटी फोर फोर काम का है और टू थ्री फोर फाइव तो उसमें तो आ रहा है जीरो मतलब नहीं है तो सिक्स प्लस फोर टेन प्लस थ्री थर्टीन सो दिस विल बी ट्वेंटी वन फैक्टोरियल का लास्ट नॉन जीरो मल्टीप्लाइड बाई थ्री और डिजिट आ रहा है हमारा फोर तो फोर इंटू थ्री रिजल्ट विल बी ट्वेल्व ओनली तो टू आ जाएगा आंसर ठीक है फोर आ रहा है यहाँ पे फोर इंटू थ्री रिजल्ट विल बी टू ओनली भी कैलकुलेट कर सकते हो क्या ये क्लियर है ठीक है अब लॉजिक समझते हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं बराबर ठीक है सो लेट अस टेक लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ फैक्टोरियल फैक्टोरियल इंटू फोर इंटू फाइव इंटू सिक्स इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन इंटू टेन अब फाइव और टेन को पहले ही सेपरेट निकालो बाहर So this can be written as 5 into 10 into 1 into 2 into 3 into 4 multiplied by 6 into 7 into 8 into 9. Okay. Now 5 into 10 can be written as 5 into 1. 5 is 5 into 1, 10 is 5 into 2, multiplied by up 1 into 2 into 3 into 4 mista 2 ko separate karlo, to 2 into 12 ojaga second. Wale, ब्रैकेट में से भी टू को सेपरेट करो तो बचेगा क्या थ्री इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन ओके फ्रॉम दीज फर्स्ट टू वैल्यूज दिस कैन बी स्क्वायर इंटू टू और टू टू कॉमन ले लो वहां से तो इंटू टू स्क्वायर इंटू ट्वेल्व इंटू ये वैल्यू क्या गा? बस यूनिट हमारे काम का होगा थ्री इंटू सेवन इंटू एट इंटू नाइन थ्री इंटू सेवन क्या आएगा ट्वेंटी वन तो वन काम का हो गया इंटू एट इंटू नाइन सेवन टी टू टू काम का हो गया वन इंटू टू टू ही आ गया यहां से भी ठीक है तो ट्वेल्व इंटू टू और ट्वेल्व में भी क्या है टू ही काम का है हमारे तो इसको भी टू ही कर दो ना फाइव स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर दिस बिकम्स टेन स्क्वायर इंटू वन इंटू टू बिकम्स टू फैक्टोरियल और इंटू लास्ट वाले जो टू बचे हमारे दिस इज टू स्क्वायर ठीक है और टेन स्क्वायर क्या है ये तो जीरो दे रहा है तो काम का हमारा नंबर है टू फैक्ट्रियल इंटू टू स्क्वायर टू फैक्ट्रेल इंटू टू स्क्वायर ठीक है ये टू फैक्ट्रेल कहां से आया बिकॉज हमें टू सेट्स मिले हैं फाइव नंबर के और टू स्क्वायर भी वहीं से आया बिकॉज हमें दो सेट्स मिले हैं अगर जितने ज्यादा सेट्स होंगे उस हिसाब से बन, बदलेगा ठीक है सो so, क्या ही बात है कर पा रहे हो क्या ही क्लियर है ठीक है अगर हमारा फिफ्टीन फैक्टोरियल होता तो रिजल्ट आया था टेन क्यूब इंटू थ्री फैक्टोरियल

इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टीन इंटू फोर्टीन टेन फैक्टर इंटू टू स्क्टोर इंटू टू स्क्वन इंटू ट्वेल्व इंटू थर्टीन इंटू फोर्टीन में से हमारे काम का क्या है हमें चाहिए राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट चाहिए लास्ट वाला तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल डिजिट ही काम का है हमारा तो इंटू वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर बस इतना कर दो ठीक है ओनली टेक यूनिट डिजिट्स

फॉर्मूला भी समझ दिया और क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। आई बिलीव सारी बातें क्लियर हुई होंगी कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट और अगर सेशन पसंद आया है अप्रिशिएट कर पा रहे हो इन चीजों को तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज एंड ऑल्सो स्प्रेड द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हु नीड दिस वीडियो ओके दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन बाय बाय टेक केयर एंड कीप लर्निंग